2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र, नायडू और नीतीश, एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं। ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। इनका बंधन क्या है? ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी में विश्वास है और डेमोक्रेसी के साथ वो बंधन जानते हैं। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ये तीन हार हुए हैं प्रधानमंत्री के, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये NDA का जो भूत है, उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र, नायडू और नीतीश, एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है, जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता। जानते हैं इकबाल, जसवंत सिंह हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे नेता को और सरकार को इकबाल की ज़रूरत है, यानी कि वो लेजिटिमेसी की ज़रूरत है। वो नरेंद्र मोदी खो चुके हैं, और वो कुछ भी कहें, वो एक तिहाई प्रधानमंत्री के रूप में आज वो उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। इनका बंधन क्या है? ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी में विश्वास है और डेमोक्रेसी के साथ वो बंधन जानते हैं। जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, दलों का बंधन नहीं जानते हैं। और एक बात याद रखिए, BJP के सांसदों ने अब तक समिति बुलाई नहीं गई है, BJP सांसद ने इनको नेता नहीं चुना है, वो उन पर बाईपास सर्जरी कर दिया और सीधे NDA के सांसद इनको चुने नेता। BJP की पार्टी की बैठक होनी चाहिए, वहाँ ये चुनकर आए। हम लोग सब जानते हैं अंदरूनी मामला क्या हो रहा है, कौन लोग नाराज़ हैं, कौन लोग नहीं चाहते हैं उनको, पर बाईपास सर्जरी कर दिया BJP के ऊपर। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, लेकिन तारीखों के कसीदे पड़े हैं। डेमोक्रेसी बंधन जानते हैं, कुर्सी बंधन, सत्ता बंधन, कुर्सी बंधन उसी पे जो और साथी हैं उनके, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि अगली बार जब आप आइए तो कुछ लोग जो इधर उधर जीत गए हैं अगली बार सब हारेंगे, हमको पूरा भरोसा है, जल्दी आप आइए। अरे देखिए, एक जमाने में चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ थे, 2018 में उन्होंने प्रधानमंत्री, एक तिहाई प्रधानमंत्री को क्या कहा? आतंकवाद कहा। और हम जानते हैं एक तिहाई प्रधानमंत्री और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहा था। नीतीश कुमार तो जानते ही, वो पलटी के मास्टर हैं, कहाँ भी, कहीं भी, किसी वक्त कहीं भी हो सकते हैं, हमारे साथ भी रहे हैं। 23 जून 2023 को पटना में तो बैठक हुई ना, इंडिया जनबंधन जो बना, पटना से शुरुआत हुई थी और नीतीश कुमार ने उस बैठक की अध्यक्षता की।